नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। और ये जो वीडियो में जैसे कि आपने थंबनेल देखा, ये जो वीडियो होता है मैं जनरली अपने मेंबर्स के लिए बनाता हूँ जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है मात्र 199 रुपये में। और वीकली एक वीडियो होती है, ठीक है, वीकली एक वीडियो होती है और सारे सेम सेटअप है। और इस सेटअप पे जो स्टॉक आते हैं वो मैं इनको इन मेंबर्स के साथ ट्रेड के लिए इनको रिकमेंड करता हूँ। पर ये वीडियो जनरली बना रहा हूँ क्योंकि मार्केट ने बहुत ड्रामा किया है जैन मंथ के अंदर, और उसका ड्रामा जो है खत्म होने की कगार पे है। ठीक है, तो जो स्टॉक मैं यहाँ पे आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, जो आपको बताने वाला हूँ, पहला टारगेट ही इनका 4 से 5% है जिस भी प्राइस पे ये फ्राइडे को क्लोज हूँ, तो सॉरी वेडनेसडे को क्लोज हूँ। ये जब मार्केट का ड्रामा चल रहा था अभी खत्म होने वाला है, वेडनेसडे को जिस प्राइस से क्लोज हुए हैं उस प्राइस से 4 से 5% पहला टारगेट रहेगा, 6 से 8% दूसरा टारगेट रहेगा, और कुछ कुछ तो 10% तक भी आपको दे सकते हैं आगे आने वाले दिनों में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो स्टॉक है वो है बजाज फाइनेंस। ठीक है, बजाज फाइनेंस पहला स्टॉक है। मैं आपको दिखाता हूं थोड़ा सा इसको, नीचे क्लिक 5796। ठीक है, 5800 आप लगा सकते हैं। ये क्या है, नीचे किस इस पैटर्न पे चल रहा है? ऐसा नहीं है, मैं बताऊंगा रीजन, बताऊंगा रीजन बताऊंगा। सबसे पहला रीजन तो सारे स्टॉक्स का क्या है, सबसे पहला रीजन है जितने भी सारे स्टॉक है वो है कि ये ओवरसोल्ड है। ठीक है, ओवरसोल्ड नहीं, ये एक्सट्रीम ओवरसोल्ड, एक्सट्रीम ओवरसोल्ड। अब हो सकता है मैं गलत हूं, कुछ चांसेस ऐसे भी होंगे जिसके मुझे कम लग रहे हैं प्लान, बट 100% मार्केट में कुछ नहीं है। फ्राइडे का लो पकड़िए, फ्राइडे के लो के नीचे 1 से 2%, तो मान लीजिए 1.5% का आप एसएल लगा लीजिए। फ्राइडे का लो कितना है बजाज फाइनेंस का, फाइव, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 5796। तो यहाँ से 75 पॉइंट्स, 75 to 80 पॉइंट्स, ठीक है, इस लो से वो आपका एसएल हो जाएगा 1.5%। ये आपका एसएल है। टारगेट मैंने बता दिए 4 से 5% पहला इसी बॉटम प्राइस से, दूसरा टारगेट 6 से 8%, और कुछ स्टॉक 10% तक भी जा सकते हैं इस बॉटम से। सारे स्टॉक में फंडा यही है, एसएल ये रहेगा जो मैंने आपको बताया है, और टारगेट ये रहेगा जो मैंने आपको बताया, पहला दूसरा तीसरा। रीजन क्या है, सबसे पहला एक्सट्रीम ओवरसोल्ड है, बहुत ज्यादा पीट दिए गए हैं। अब मैं इनमें ये नहीं कह रहा कि टर्न अराउंड हो जाएगा, टेक्निकल बाउंस आएगा। ठीक है, टेक्निकल बाउंस आए तो ये देखिएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पैटर्न जो आप देख रहे हैं ये पैटर्न बन रहा है, इस पैटर्न का नाम होता है बुलिश फ्लैग पैटर्न। ठीक है, बुलिश फ्लैग पैटर्न। अब ये जिस भी दिन 5930 इस लेवल के ऊपर क्लोज कर देता है तो इस पैटर्न का ब्रेकआउट आ जाएगा, और इसका टारगेट है 6500 पोजिशनल। ठीक है, पोजिशनल बजाज फाइनेंस का, बट जो मैंने आपको बताया वहां पे बुक करते चलिए, 4 से 5%, 6 से 8%, 10%, जिसकी इच्छा है वो अपने अपने ग्रेड के हिसाब से बुक करता चले। एसएल मैंने आपको अच्छे से बता दिया। तो पहला स्टॉक क्या है, बजाज फाइनेंस। ठीक है, दूसरा स्टॉक है एचडीएफसी एएमसी, कंटिन्यूस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, बहुत ज्यादा पीट दिया गया है, 1934 पे इसका प्राइस है। ठीक है, ये अब सपोर्ट का काम करना चाहिए ये वाला एरिया, तो कोई भी क्लोजिंग इसकी 1880 इस लेवल के नीचे आती है वो हो जाएगा आपका एसएल। टारगेट है इसके
2000+, 2000+, ठीक है। ये देखिए आप नीचे RSI पे आप नजर डालेंगे, 23 के आसपास पहुंच चुकी है, और एक बार 23 यहां पे आई थी। इसके बाद खड़ी चढ़ाई देखी होगी आप नीचे, ये है 1700 का लेवल, और ये टॉप जो लगा है ये है कितना, 1950 का लेवल। उम्मीद यहाँ पे यही है, मुझे तो लगता नहीं है कि अभी 1900 के नीचे भी क्लोज करेगा, बट आप 1880 पकड़ के चलिए, यहां से इसे ऊपर की तरफ 2000+ का टारगेट यहां तक जाना चाहिए, 2050, ठीक है। ऐसे ही अगला स्टॉक आता है PI इंडस्ट्री, ठीक है, PI इंडस्ट्री। PI इंडस्ट्री में भी बहुत सेलिंग हो चुकी है, दबा के सेलिंग हो चुकी है, और इसकी RSI कितनी चल रही है, 18, 18 इसकी RSI चल रही है। करंट प्राइस है इसका 2974, ये इसका बहुत बेहतरीन सपोर्ट है जो कि है 2950 कह रहा हूं, बट आपका इसमें SL होगा एनी क्लोजिंग, एनी क्लोजिंग बिलो 2900, ये SL है। टारगेट मुझे जो लगता है कि कम से कम इस भाव तक आना चाहिए, 3200, ठीक है, 3200। तो ये देख के चलिए 4 से 5% कितना बनता है, 5 से 6 से 8% कितना बनता है, वो सब आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैलकुलेटर लेके स्टॉक्स में आपके सामने बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगला स्टॉक आता है वो है कब, सिटी यूनियन बैंक। करंट प्राइस कितना है इसका, 152, करंट प्राइस कितना है, 152, इसको बाय करना है, और SL है इसका 145, थोड़ा दूर का ले लीजिए, टारगेट है इसके 160, 165+, 160, 165+। ये पूरा कहानी मैं फेब मंथ की कर रहा हूँ, ठीक है, सिटी यूनियन बैंक। अगला स्टॉक है बजाज फिनसर्व, बजाज फिनसर्व RSI देखिए 18 की, और इस ये पैटर्न तो डेफिनेटली ब्रेकआउट का ही पैटर्न है, ठीक है। टारगेट इसमें 1500 तक के, 1500 तक के टारगेट है, करंटली 1314 चल रहा है, एनी क्लोजिंग बिलो 1300 आप SL लगा लीजिए, इसको बाय करिए 1350 और 1380, ये आपके टारगेट है, ठीक है, बजाज फिनसर। अगला स्टॉक है इंडिया सीमेंट, सीमेंट छोड़िए दोस्तों, केमिकल एंड सीमेंट थोड़ा न्यूज खराब चल रही है, सीमेंट को छोड़िए, ठीक है। एशियन पेंट बाय करी, एशियन पेंट यहाँ पे देख लेते हैं क्या हालचाल है एशियन पेंट के। सत्ताईस पिचहत्तर, ये लेवल आपका ऐसे बताएगा, ठीक है, 2700, एनी क्लोजिंग बिलो 2700 आपका एसएल हो जाएगा, टारगेट इसमें 2900+, ठीक है, बहुत ओवरसोल्ड है, बहुत ओवरसोल्ड है, ठीक है। तो इन स्टॉक पे नजर रखिएगा जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, और आएंगे टारगेट, ठीक है। जनवरी का महीना था जो मार्केट का नाटक था, वो खत्म है, अब मार्केट अपना काम करेगा, जो सेटअप जो रूल्स जो हैं उसके वो चलेंगे, साइडवेज मामला जो है खत्म, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।